22 मार्च की तारीख पर महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में इसी दिन कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए जनता कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था। सदियों पहले इसी दिन मुगलों की राजधानी दिल्ली में फारस की सेना ने कत्लेआम किया था। दरअसल मार्च 39 में फारस के बादशाह नादिर शाह ने भारत पर हमला कर दिया था और करनाल में हुई लड़ाई में मुगलिया सेना की बुरी तरह से शिकस्त हुई थी। मुगलों की हार के बाद नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हो गया। नादिर शाह जब अपने लाल लश्कर के साथ लाल किले पर पहुंचा तो यहां दंगे भड़क गए और लोगों ने उनकी सेना के कई सिपाहियों को मार दिया। इससे गुस्साए नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दिया और आज की पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में उसकी फौज ने आम लोगों को मौत की घाट उतार दिया। इस घटना को इतिहास में कत्लेआम के तौर पर भी जाना जाता है। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने अपनी फौज को दिल्ली में नरसंहार का हुक्म दिया था। इसे इतिहास में कत्लेआम के नाम से जाना जाता है, जो कि आज ही के दिन हुआ था। तो वहीं रामचंद्र चटर्जी पैराशूट से उतरने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने थे आज के ही दिन। चटगांव विद्रोह का नेतृत्व करने वाले महान क्रांतिकारी सूर्यसेन का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।